नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर और आसपास के सभी गंगा घाटों पर माघी पूर्णिमा को लेकर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की, जबकि कई जगहों पर अष्टयाम संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। भागलपुर के बरारी गंगा घाट, खिरनी घाट, पूरानाथ घाट, पुल घाट और मुसहरी घाट के अलावे सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ एवं कहलगांव बटेश्वर नाथ गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां हर आयु वर्ग के श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान विष्णु, माँ गंगा समेत कई देवी देवताओं की पूजा की। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में भगवान विष्णु का वास होता है और देवी देवता भी इस दिन अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, जबकि गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान ध्यान का भी विशेष महत्व है। एक और जहां माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस अवसर पर कई जगहों पर मेला का भी आयोजन होता है, वहीं दूसरी ओर बात अगर साफ सफाई व्यवस्था की करें तो नगर निगम की ओर से इसकी कोई खास व्यवस्था नहीं दिखी। शहर के गंगा घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था का अभाव दिखा, जिसके कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी गंगा घाटों पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि रविवार की सुबह ठंड अधिक होने के बावजूद गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी रही। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर बिहार झारखंड समेत कई जगहों से पहुंचे लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया, जबकि पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में गंगा जल कर कांवरिया बाबा धाम के लिए भी रवाना हुए। इसको लेकर अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में देवी देवताओं का वास होता है और इस पावन अवसर पर विभिन्न जगहों से लाखों शिव भक्त यहाँ गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मिथिलांचल के कांवरिया सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल के साथ पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। इधर प्रशासनिक स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ एसटीआरएफ टीम को भी गंगा में तैनात किया गया था, जबकि भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुरुष और महिला पुलिस बल की भी तैनाती देखी गई। आज माघी पूर्णिमा को बहुत बड़ा एक महत्व होता है, जितना देवी देवता ऋषिगण जो भी थे भेष बदल बदल करके भी गंगा स्नान करते हैं और आज गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, सब पाप प्रायश्चित होता है और तमाम लोग जो है मिंताचल से कांवड़िया बम वगैरह सब आए हुए हैं, जगह जगह से लोग बाग, तो लोग बाग तमाम गंगा किनारे अनक्षेत्र लोग आनी भंडारा भी करते हैं, लोग आपस में बनाते हैं, एक दूसरे के सभी को खिलाते हैं और आराम से चौदस के दिन जल पूर्णिमा के दिन जल भर करके और बाबा धाम कम से कम सुल्तानगंज में लाखों कांवड़िया आए हुए हैं। भागलपुर के जगदीशपुर गोनू बाबा धाम में माघी मेला को लेकर रविवार की सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान गोनू धाम में माघी मेला का शुभारंभ किया गया। इसको लेकर गोनू धाम मंदिर के पंडित पंक्षा आचार्य ने बताया कि यहां पर माघी मेला सदियों से लगता आ रहा है, जबकि गोनू धाम का यह मेला प्रमुख उत्सव ही माना जाता है। वहीं मेला के दौरान सभी जाति धर्म के लोग बाबा की भक्ति में रमे दिखाई दिए, जबकि बाजारों में भी काफी रौनक दिखाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गोनू धाम में जो भी आज के दिन बाबा गोनूनाथ की पूजा करते हैं उस पर गोनू बाबा की सदैव कृपा बनी रहती है और काफी संख्या में श्रद्धालु भी यहां माघी मेला का आनंद लेने आते हैं। वहीं माघी पूर्णिमा को लेकर पिपैती जीछो पोखर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा, जबकि लोगों ने पोखर में आस्था की डुबकी भी लगाई। बताया जाता है कि जीछो पोखर प्रदेश भर में मशहूर है, यहाँ के मेले का पुराना इतिहास है, जबकि यहाँ माघी पूर्णिमा पर स्नान करने वालों की मन्नत भी पूरी होती है। दिव्यांगजनों की सहायता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की योजना चलाई जा रही है, बावजूद इसके भागलपुर जिले में दिव्यांगजनों को लगातार समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का चक्कर लगाना पड़ता है। कई दिव्यांगजन ट्राई साइकिल के लिए सालों से दौड़ रहे हैं तो कोई सरकार से मिलने वाली राशि के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के द्वारा इसका कोई निदान नहीं निकाला जा रहा है, जिससे कई दिव्यांगजन परेशान है। दरअसल शहर के खंजपुर निवासी दिव्यांग रतन कुमार साहब पिछले 2 साल से ट्राई साइकिल के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कागजात की मांग किए जाने के कारण उन्हें आज तक ट्राई साइकिल नहीं मिल सका। इसको लेकर रतन कुमार साहब का कहना है कि जब उसके पास कोई जमीन और घर नहीं है
तो वह विभाग को आवासीय कहां से ला कर देगा। साथ ही कहा कि परेशानी के कारण वह लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहा है कि शायद कभी ना कभी उसे ट्राईसाइकिल मिल ही जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं हो तो क्या उसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा, या ऐसे ही बार बार बेवश लोगों को कार्यालय का चक्कर ही लगाना पड़ेगा। ऑफिस आ रहे जब आते हैं तो बोलता है कि हमको कुछ चीज़ का मालूम नहीं, जाति चाहिए, आवासीय चाहिए, ये सब चाहिए, तब विकलांग को ट्राईसाइकिल मिलेंगे। अब पहले जो संतोष मल जो इतना ट्राईसाइकिल किया है अप्लाई, वो सब अभी तक कहाँ गए, सब 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 सर जाएगा क्या धरा हुआ है। ट्राईसाइकिल जिसके पास नहीं रहेगा वासी और जाति तो वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, उसको घर द्वार नहीं है तो वो दो साल से हम लोग घूर रहे हैं। जो 400 टका जो मिल रहा है वो अभी सुन रहे, आज मिलेगा कल मिलेगा, बहुत कम मिल रहा है, वो भी बहुत कम मिलता है बहुत आदमी को। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाली संत रविदास जयंती को लेकर रविवार को भागलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर जहां राज्य भर में सरकारी छुट्टी घोषित की गई, जबकि भागलपुर जिले का निबंधन कार्यालय रविवार को भी खुला रहा। इस दौरान कार्यालय के सभी कर्मी के साथ अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद रहे। बता दें कि जनवरी से मार्च तक प्रत्येक रविवार को निबंधन कार्यालय खोलने का आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसके कारण सरकारी छुट्टी के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर पहुंचे। वहीं इसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के आदेश के कारण रविवार के साथ सरकारी छुट्टी के बावजूद उन्हें कार्यालय आना पड़ रहा है, जिसके कारण घरेलू कामकाज भी नहीं हो पाता है। विभागीय निर्देशानुसार विभाग के निर्देश है कि लोगों को विशेष सुविधा और राजस्व हित में जनवरी फरवरी मार्च के सभी रविवार अवकाश को जितने ऑफिस अन्य दिन के बाद ही खुले रहेंगे, इसी आदेश के अनुपालन में ऑफिस खुली हुई है। लेकिन आज रविदास जयंती भी है सर। लेकिन विभाग का जो निर्देश है तो हमें पालन करना है। आदमी कम आ रहे हैं सर, लेकिन रविवार के दिन समाज तो लोग कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जानकारी जागरूक किया जा रहा है। पूर्णिमा भी है जी, फिर भी खुला हुआ है, इसलिए कि सरकार के द्वारा आदेश है, सरकारी छुट्टी घोषित है, घोषित है, मगर सरकार निबंधन कार्यालय खुला हुआ है, इसलिए आदेश चिट्ठी आई हुई है, तब आदेश के अनुसार ने खुला है ऑफिस, बिना ऑफिस ऐसे नहीं खुलता है। परेशानी तो है ही, स्टाफ लोग काम में घर का काम नहीं कर सकते हैं, परेशानी है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। उस समय में हमको बहुत मतलब तकलीफ होता था, महसूस होता था शरीर में, मतलब सुस्तपान चक्कर जैसा लगता था, लेकिन अब ये दवाई खाने के बाद हमको बहुत शरीर में ताकत आ रहा है, मतलब फुर्ती भी आ रहा है, ताकत आ रहा है, कोई बीमारी जैसे नहीं है, तो अभी हमको एकदम बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, इसीलिए हमको ये दवा से हमको मतलब कि बिल्कुल एकदम हमको शरीर में एकदम स्वस्थ महसूस हो रहा है। तो आज मैं ठीक हूँ और इसमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो हमको लगता है कि हमारे अंदर शरीर में शायद कोई किस्म का बीमारी नहीं है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से। यहाँ आए हैं, दवा खाए हैं, एक सप्ताह में जांच कराए तो माइनस जांच बता रहा है। मेरा नाम शशि भूषण चौधरी, मेरा घर दलसिंह सराय। मेरा नाम मंगल राय है, मेरा घर मोहद्दी नगर पड़ता। मेरा नाम महेश ठाकुर, ग्राम पोस्ट बलाही, जिला समस्तीपुर। मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय बलाही है। मेरा नाम मोहम्मद हारून छक बंगड़ी, रजवापुर, समस्तीपुर, बिहार। मेरा नाम ओम प्रकाशो, हाँ नाम श्रीहार, जिला समस्तीपुर। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 8 से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा स्वदेशी खेल थांग टा की टीम रविवार को मंडला के लिए रवाना हो गई। इस दौरान भागलपुर की आकांक्षा सिंह, माहिका कुमारी और प्रज्वल कुमार के अलावा मोकामा नाजरेत अकादमी की कुमारी सनाया एवं दिव्यांश आनंद, प्रशिक्षक विकास कुमार झा और सुबोध
प्रमोद कुमार यादव दल के साथ रवाना हुए। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि यह खेल भारत का स्वदेशी खेल है जो मणिपुर की पारंपरिक खेल भी है और इसमें तलवार ढाल भाला का उपयोग किया जाता है। इधर इन सभी खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चयनित होने पर कहलगांव एनटीपीसी सेंट जोसेफ स्कूल की प्राचार्य सिस्टर एनसी जोसेफ और नाश्रित एकेडमी मोकामा की प्राचार्य सिस्टर अनिला के अलावा बिहार थांगटा संघ के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर टीकर से दो युवकों के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पूर्व राघोपुर टीकर के दो युवक 31 जनवरी को दोपहर के वक्त घर से खाना खाकर निकले और उसके बाद वापस घर नहीं आए। वहीं युवकों की काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी अब तक वे दोनों लापता हैं। इधर लापता युवक के पिता राजू यादव का कहना है कि उनका पुत्र पवन यादव 31 जनवरी को दिन के वक्त खाना खाकर निकलने के बाद से आज तक वापस घर नहीं लौटा है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित पिता ने मधुसूदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा एक अन्य युवक के पिता मुनीलाल यादव ने बताया कि उनका 24 वर्षीय पुत्र प्रद्युमन 31 जनवरी की दोपहर खाना खाकर घर से निकला और आज तक वापस घर नहीं लौटा। साथ ही कहा कि देर रात तक नहीं लौटने पर जब उसे कॉल किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला जो आज तक बंद है। इधर मामले को लेकर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि मामले में लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्द ही दोनों युवक को बरामद कर लिया जाएगा। 31 तारीख रो आए सर 3 रो बीच में निकली गली गोली खाए पी गए के लड़का हमर बेटा के नाम परदूप नाम जी कितना उम्र 1998 जन्म थी 24 साल कहां से भागले जा रहे सर। अरे दोनों अनुभव मिले जी यहां की 3 से 2.5 तक में खा के घर से निकली गली निकलला बाद हम स्वीकार कुटमैती खोजी ली लेकिन पता नहीं लगे पवन दादा। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर राघोपुर टीकर स्थित काली मंदिर प्रांगण से 24 घंटे अखंड संकीर्तन रामधुनी के आयोजन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर रेलवे फाटक गोलदार पट्टी सुभाष पार्क चौक सीटीएस रोड और नरगा होते हुए मोहनपुर घाट पहुंची जहां पंडित विद्यानंद मिश्रा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जलभरी के बाद पुनः शोभा यात्रा काली मंदिर प्रांगण पहुंची। मौके पर जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार समाजसेवी विजय कुमार यादव सत्तन यादव सदस्य रुदल यादव समेत काफी संख्या में पुरुष महिला और बच्चे समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।